सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के तहत जो कार्रवाई पार्लियामेंट में हुआ है उसके बाद में जो एक्ट अभी लागू है उसको पकड़ के राजनीति करके वो राजनीति से लब्ध और वो राजनीति से एक्सपीडियंसी कमाने का जो काम कांग्रेस कर रही है उसका भारतीय जनता पार्टी तीव्र खंडन करती है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से पूछना चाहती है कि आपको इटालियन हिस्ट्री मालूम है तो इंडियन हिस्ट्री भी सीख लीजिए, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री सीधा सीधा बताती है कि गांधी जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक और कांग्रेस पार्टी से लेकर टीएमसी तक जो भी पार्टियां हैं सीपीआई सीपीएम भी पार्लियामेंट में इसी का मांग किए है, और जो रेफ्यूजीज है पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से उनको सिटीजनशिप देने का डिमांड ये सब पार्टीज ने किया है, उसका रिकॉर्ड्स पार्लियामेंट में है। हम सीधा पूछना चाहते हैं सोनिया गांधी जी से, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 में मुस्लिम व्यतिरेक चीज क्या है आप बताइए, आप क्यों मतों के बीच में रिलीजियस जो इंटरफेरेंस है कॉन्फ्लिक्ट है वो आप क्रिएट क्यों करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी समझती है कि ये कांग्रेस का जेनेटिक्स है, ये कांग्रेस का जेनेटिक कोड है कि ऐसा बर्ताव करके उसका पॉलिटिकल फायदा उठाना उसका संस्कृति है। भारतीय जनता पार्टी सीधा कांग्रेस पार्टी से यह भी पूछना चाहती है कि क्या ये अमेंडमेंट बिल जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है उसका आप विरोध करते हैं तो देश को बताइए कि किसके लिए करते हैं क्यों करते हैं। जब गांधी जी ने इसको मांगा अब तक आप किया नहीं, जब नरेंद्र मोदी जी ने किया तो आपको तकलीफ क्यों हो रहा है। और दूसरी बात हम बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी आज एक सेपरेटिस्ट ग्रुप जैसा बिहेव कर रही है, नॉट एज ए नेशनल पार्टी। आप जो राज का इतना बड़ा पार्टी है राष्ट्र का बड़ा पार्टी है आज एक सेपरेटिस्ट ग्रुप बन गया है वैसा आपका बर्ताव है। तो